फ्रेंड नमस्ते। हमारे गार्डन में आप सभी का स्वागत है। और आज देखिए, ये मैंने जो कटिंग से रोड साइड से लेके आई थी और इसमें आज फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी अच्छा प्लांट हो गया है। मैं इसकी छोटी सी कटिंग लगाई थी। और आप, ज़रूरी नहीं है कि नर्सरी से प्लांट लेके आए, आप ऐसे रोड साइड से कटिंग लेके आ सकते हैं और अपने घर में फ्री में प्लांट्स लगा सकते हैं। और सितंबर अक्टूबर में भी काफ़ी सभी कटिंग्स लग जाती हैं, ये रोड साइड लगे रहते हैं। और इसके पेड़ के नीचे कुछ बेबी प्लांट्स निकले रहते हैं, आप उनको निकाल के लेके आ सकते हैं और ये लगा सकते हैं। ये बोगनवेलिया है, ये भी रोड साइड में पार्क में कहीं पे भी लगा हुआ मिल जाएगा आपको। ये देखिए, मेरे ये मैंने कटिंग से लगाया था और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, से लगाया था, देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था। तो ऐसा नहीं है आप नर्सरी से लेके आए, आप कहीं जाते हैं तो आप कटिंग्स लेके आ सकते हैं, पार्क में, रोड साइड और ब्लॉक की, ये भी सब कटिंग से लग जाएगा। चोरा, जेड, सिंगोनियम, स्नेक प्लांट, अरेलिया, ये भी इजीली कटिंग से लग जाता है, मनी प्लांट, फाइकस, सब कटिंग से लगने वाले हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अपन नर्सरी से जाके लेके आएं और पैसे खर्च करें, आप कटिंग से भी सभी प्लांट्स लगा सकते हैं और अपने गार्डन में इनको शामिल कर सकते हैं। यदि आपको शौक़ है गार्डनिंग का तो आप इजीली कहीं से भी कोई भी प्लांट्स लाके लगाएं और अपने गार्डन में इसको शामिल करें। ये मेरे सेमी में देखो फ्लावरिंग हो रही है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। छोटा सा वीडियो बनाए हैं, आप कटिंग्स लगाएं, अभी तक नहीं लगाई हैं तो अभी भी लगा सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में भी कटिंग्स लग जाती हैं। और आप अपने गार्डन में कोई भी कटिंग यदि रेनी सीजन में नहीं लगाई है तो अभी भी लगा सकते हैं। एंड फ्लावर्स, फ्रूटिंग के प्लांट भी लगाए हैं अपने घर में, देखिए मैंने नींबू लगे हुए हैं,